मंजली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस रिपोर्ट में बात करने वाले हैं यहाँ पर फिर से एक बार राजस्थान में सियासी जंग जो चल रही है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की नैया डूबती नजर आई। जहां पर गुजरात से हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, तो वहीं पंजाब से सुनील जाखड़ इस्तीफा देकर अब बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। लेकिन सवाल हार्दिक पटेल पर आकर टिक रहा है कि आखिर हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी को जो छोड़ चुके हैं, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो वहीं पर बताते चले कि जो हार्दिक पटेल हैं, उन्होंने एक नया बयान दिया है। लगातार जब से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, वो कांग्रेस पार्टी पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब हार्दिक पटेल ने यहाँ पर अपने पिता के बारे में एक बात कह दी है। उन्होंने यहाँ पर ऐसी बात कही जिससे लग रहा है कि उनके पिता का बीजेपी से कोई ना कोई पुराना नाता रिश्ता जरूर है, या फिर पुराना ताल्लुकात जरूर है। दरअसल हार्दिक पटेल कहते नजर आते हैं कि मेरे पिता ने भी कहा था कि कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे तुम ज्वाइन करो। कांग्रेस आखिर है कैसी पार्टी? यानी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पसंद नहीं आई थी, फिर भी इसके बावजूद अपने पिता के अगेंस्ट जाकर यहाँ पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन आज 3 साल बाद कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर अब वो बीजेपी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करते चलिए यहाँ पर हार्दिक पटेल के पिता का नाम आखिर बीजेपी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल जब हार्दिक पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के सीएम हुआ करते थे, उस वक्त हार्दिक पटेल ने उनके खिलाफ दंगे किए थे, धरना प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी उनके पिता रोकते नजर आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके पिता जो है बीजेपी के समर्थक नजर आ रहे हैं, जिस वजह से उनका पहले का ताल्लुकात बताया जा रहा है। लेकिन हार्दिक पटेल अब दोबारा से सुर्खियों में आ चुके हैं और दोबारा से उनको लेकर ये बातें हो रही हैं। आपको बता दें, हार्दिक पटेल का अब बीजेपी में स्वागत हो सकता है, जिस चीज पर खुद हार्दिक पटेल यहाँ पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने बताया कि 10 दिन बाद वो फैसला सुनाएंगे और यहाँ पर बीजेपी को लेकर बोलते नजर आए हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि अब हार्दिक पटेल भी बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने भी इस बात से पर्दा उठा दिया है कि अब बीजेपी में ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं की लिस्ट काफी लंबी है, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है और अभी भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की तरफ भी यहाँ पर इशारा करते नजर आए थे जेपी नड्डा, लेकिन सचिन पायलट को आज ही कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, जिसके बाद ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल कि सचिन पायलट फिर से यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। खैर, अब सियासत क्या है वो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आखिर अब हार्दिक पटेल बीजेपी में कब तक शामिल होते हैं। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।